Hi kids, welcome to your English class. I hope you all are doing good. Today we are starting with a new chapter from your book Literary Journeys, an English Reader Pre-Primer Book by Brainroot Series. तो आज हमारे चैप्टर का नाम है कैपिटल कर्सिव ए टू जी. इस चैप्टर में हम कर्सिव ए टू जी लिखना सीखेंगे. कीप अ पेंसिल इन योर हैंड एंड मेक श्योर दैट यू आर डूइंग विद मी. राइट, आपको एक पेंसिल रखनी है अपने हाथ में और मेरे साथ साथ लिखना है. ठीक है, चलिए हमें क्या करना है. Recognize the initial words and write capital cursive A to Z. First, हमें दिख रहा है ये एक apple की picture है. तो A for apple होता है ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे A. ठीक है बच्चों, क्या लिख देंगे, A लिख देंगे. चलिए मेरे साथ साथ लिखेंगे सब, A for apple. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एक बॉल की पिक्चर जिसे आप खेलते होंगे. सो इस तरीके से हम बना देंगे बी. बी फॉर क्या होता है, बॉल होता है. नेक्स्ट हमारे पास है एक कैट की पिक्चर, तो हम नेक्स्ट बना देंगे सी. सी फॉर कैट. इज दैट क्लियर एवरीवन, वेरी गुड. नेक्स्ट इज डी. डी फॉर डॉग, तो हम बना देंगे डी. आप मैम के साथ साथ बना रहे हैं, इफ यस देन वेरी गुड. नेक्स्ट इज व्हाट. नेक्स्ट इज ई. ई फॉर एग. ओके, नेक्स्ट इज एफ. एफ से क्या होता है, फिश. देखो फिश की पिक्चर भी है यहाँ पे. नेक्स्ट इज ग्रेप्स. G for grapes. Okay. Next is hut. H for hut. Okay. Next is what? Tell me. This is ice. I for ice. तो हमने क्या बना दिया? I बना दिया. Next is a picture of a jug. देखो मैम ने क्या बनाया है, J for क्या होता है, J-U-G, जग होता है. ठीक है, नेक्स्ट इज काइट, K for काइट. ठीक है, L for लैम्प. राइट, आपके घर पे भी होगा लैम्प. M for मैंगो, सो आप बना देंगे यहाँ पे M. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इज नट, N फॉर नट. दिस वन इज यस, ओ. N के बाद क्या आता है, ओ ही तो आता है, तो हम यहाँ बना देंगे ओ. ठीक है, देखो कैसे बनाया मैम ने, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, E फॉर एग, F फॉर फिश, G फॉर ग्रेप्स, H for hut, I for ice cream, J for jug, K for kite, L for lamp, M for mango, N for nut, O for orange. Okay? चलिए अब आगे देखेंगे. हमारे पास है P for parrot. So आप बना सकते हैं P? Yes, बिल्कुल बना सकते हैं. हमने बना दिया P. P for parrot. Right? नेक्स्ट हमारे पास है Q. Q फॉर क्विल, सो हमने ये Q बना दिया. नेक्स्ट इज R फॉर रोज. R फॉर रोज होता है ना, वेरी गुड. R के बाद क्या आता है बच्चों, सोचिए. बिल्कुल सही, R के बाद आता है S. S फॉर सन. नेक्स्ट इज T. T फॉर ट्री. U for umbrella, V for van, W for watch. ठीक है, मेरे साथ साथ बनाइएगा. X for X mystery,
X for X mystery. Y for yuck. And last, Z for zebra or zebra. Okay, तो हमने कौन कौन से पढ़े? P for parrot, Q for quill, R for rose, S for sun, T for tree, U for umbrella, V for van, W for watch, X for Xmas tree, Y for yuck, Z for zebra. Is that clear, everyone? Okay, very good. Right, so that's it for the cursive writing practice. I hope aapko cursive writing ab acche se likhne aa gayi hai. Right, chaliye. So thanks for watching. I will meet you in the next topic. Till then, goodbye and take care.